सो हैव यू गाइज आर फेल्ट सो लेजी एंड आप कन्फ्यूज हो एंड यू डोंट लाइक योर सेल्फ एंड आप पूरे पूरे दिन बेड पे पड़े हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। सेम एग्जैक्ट चीज मेरे साथ भी होती है एंड गेस कितने दिन में मैंने अपने आप को ठीक कर दिया? सिर्फ और सिर्फ 4 दिन। एंड ट्रस्ट मी, जिस तरह से मैंने किया उस तरह से कोई भी 4 दिन या 1 हफ्ते में अपनी लाइफ फिक्स कर सकता है। मैंने 4 दिन में अपने आप को ये से ये बना दिया। तो चलो लेट्स डू दिस टुगेदर एंड गेट माई लाइफ टुगेदर। इस व्लॉग में मैं कुछ ज़्यादा हाय हेलो ये वो कैसे हो कुछ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं मेरे पास इस टाइम। रियल होके बनाना चाहती हूँ मैं ये वीडियो, गेटिंग माई लाइफ और माई सेल्फ टुगेदर। तो आप जानते हो वोवली वसु को, जैसे मेरे पुराने व्लॉग्स होते थे, हैप्पी, काफ़ी कुछ करने वाली, मेंटली स्ट्रांग, बट आई एम सिंपली नॉट दैट एनीमोर। मैं फिजिकली वीक हो गई हूँ, मेंटली वीक हो गई हूँ एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम टोटली कन्फ्यूज अबाउट माई सेल्फ, आई एम टोटली कन्फ्यूज अबाउट माई लाइफ। बेड पे पड़ी हुई थी एंड मुझे आइडिया आया कि फिगर आउट करती हूँ एटलीस्ट कि हो क्या रहा है ये मेरे साथ। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि वट इज़ द प्रॉब्लम। आई रियली डोंट नो, आई एम लेजी, आई ट्राई बट इट स्टिल नॉट वर्थ इट, आई एम अनएबल टू बी मी, आई डोंट लाइक माई सेल्फ एनी मोर। मैं कुछ देर से बीमार हूँ काफ़ी, डॉक्टर ने बताया काफ़ी चीज़ों की डेफिशिएंसी एंड ऑल, एंड मैं ठीक भी नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप को पसंद ही नहीं करती, तो मैं एफर्ट्स ही नहीं लगाती हूँ कुछ ठीक होने के लिए। आई एम नॉट बीन डूइंग स्टफ दैट आई एम सपोज टू डू। आई डोंट हैव एनी स्टिल बिलीव्स। इस लाइन का मेरा ये मतलब है कि मेरे जैसे पहले एकदम ऐसे बिलीव्स होते थे कि हाँ ये है तो ये है, मतलब वो चीज़ मैं 100% मानती हूँ, अब वैसा कुछ नहीं है। अब हर चीज़ मेरे माइंड में कच्ची पक्की है। आई एम वीक, यही जो बताया डॉक्टर ने, बोला है कि ब्लड की डिफिशियंसी है, कैल्शियम की डिफिशियंसी है, विटामिन्स की डिफिशियंसी है एंड डिहाइड्रेशन है। आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी, आई एम नॉट रैंडमली हैप्पी, जैसे मैं अपने पुराने व्लॉग्स में होती थी बस खुश खुश खुश, वैसे मैं अब नहीं होती हूँ। नोबडी लाइक्स मी द वे दे यूज टू। आई एम नॉट सक्सीडिंग इन लाइफ। रिसेंटली मुझे फील ऐसा हो रहा है कि मैं नहीं हो रही हूँ कुछ सक्सेसफुल। रुक जाओ आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, लुक ये देखो मुझे रिसेंटली क्या मिला, देख रहे हो? पर इसको मैं अपनी सक्सेस मान नहीं पा रही हूँ, ये मेरी, ये उस पुरानी वस्तु की सक्सेस है। ये देखो प्रारिश्ते व्याल, ऐसा फील होता है अब जैसे मैं मेरी ही नहीं हूँ। सबसे पहले ये जो मैंने प्रॉब्लम्स लिखी हैं, देखते हैं कि ये क्यों हो रही है और इसको ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। जो मैं लेजी हो रही हूँ उसके लिए शायद मुझे जल्दी जागना चाहिए, है ना। स्टेप वन, वेक अप अर्ली। वेक अप अर्ली के आगे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दिया है, क्योंकि अगर मैं जल्दी ही नहीं जागूंगी तो फिर बाकी सब चीज़ें तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ जो कि मैं करना चाहूँगी। आई एम अनएबल टू बी मी, वो जानने के लिए आई गेस मैं अपने पुराने व्लॉग्स देखती हूँ, पहले फिगर आउट करती हूँ कि क्या बदलाव आया है अगर कुछ आया तो, और कौन थी मैं और कौन हूँ मैं। स्टेप टू, वॉच ओल्ड व्लॉग्स। आई डोंट लाइक माई सेल्फ एनी मोर। आई गेस मैं पहले अपने लिए काफ़ी कुछ कर रही थी, जैसे रीडिंग और स्किन केयर। आई गेस आई शुड स्टार्ट डूइंग ऑल दैट अगेन। सेल्फ केयर, बाथ, स्किन केयर, रीडिंग, मेडिटेटिंग। आई डोंट हैव एनी स्टिल बिलीव्स। मेरे डीप इनसाइड मेरे हैं बिलीव्स जो हैं, मेरे कॉन्शियस माइंड में कुछ भी नहीं है, तो आई गेस मुझे राइटिंग करनी चाहिए। स्टेप फोर, राइटिंग। आई एम वीक फिजिकली, जो मैं वीक हो गई उस बारे में लिखा है मैंने। कल रात को मैंने आज के लिए लिखी थी मेरी डाइट रूटीन, जो कुछ भी मैंने आज खाना पीना है, जो जो मुझे डेफिशिएंसीज हैं उन सबके अकॉर्डिंग मैंने ये पूरा आज का डाइट प्लान लिखा है कि क्या ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या क्या करना है और एक्स्ट्रा क्या क्या खाना पीना है। तो हमारा स्टेप फाइव क्या रहेगा? स्टेप फाइव, डेली डाइट रूटीन। आई एम नॉट रैंडमली हैप्पी। इसके लिए मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी। एफर्मेशंस, स्टेप सिक्स, एफर्मेशंस लिखनी है और बोलनी है डेली। नोबडी लाइक्स मी द वे दे यूज टू, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उसके लिए आई गेस मुझे काम शुरू करना चाहिए वापस, है ना, एडिटिंग एंड ऑल। बेशक दिन में मैं 1 घंटा ही सिर्फ एडिटिंग करूँ। स्टेप सेवन, एडिटिंग। आई एम नॉट सक्सीडिंग इन लाइफ। अब ये सारी चीज़ों के साथ ही आएगा सक्सेस भी, है ना। अब ये सब चीज़ तो मैंने लिख ली एंड अभी के लिए मुझे कोई टास्क चाहिए था एंड मैं बहुत दिनों से नहा ही नहीं हूँ, तो आई गेस मुझे नहाना चाहिए। 1 बज गए, अभी आगे का जो आधा दिन है उसमें मुझे क्या क्या करना है वो मैं लिख लेती हूँ, है ना। सबसे पहले तो अभी मुझे एप्पल खाना था,
नहा लेती हूँ, लंच कर लेती हूँ, अपनी मेड्स वगैरह मेडिसिन वगैरह खा के एक इलेक्ट्रोल की बॉटल साथ रखने को बोला डॉक्टर ने दिन के वक्त, और साथ में उसके दौरान या फिर उसके आगे पीछे इस टाइम के मैं एफर्मेशंस भी लिखूंगी। एंड देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग द टास्क। सबसे पहले मैंने एप्पल खाया, फिर मैंने नहाने का लिखा था, फिर मैं नहाने गई, मैं आ गई नहाकर। कुछ बताती हूँ आपको, नहाते वक्त मैंने अपनी एक पुरानी प्लेलिस्ट लगा ली रैंडमली। वो पुरानी प्लेलिस्ट सुनते सुनते मतलब मैं नहाते हुए एक्चुअली स्माइल कर रही थी एंड मैं खुश थी एंड मैं एक्साइटेड थी कि नहा के बाहर निकलूंगी, फिर खाना खाऊंगी, फिर ऐसा कुछ रीडिंग वगैरह करूंगी। तो मेरे को नहाते हुए समझ आया कि एक प्लान होना कितना इम्पोर्टेंट होता है और उसमें वो चीज़ें भी हों जो आपको एक्चुअली पसंद है। तो मेरा पेट भी ठीक नहीं है इसलिए मैंने मम्मा को बोला कि मेरे लिए दावे चावल बना दो, जो दही वाले चावल होते हैं। लंच अभी मम्मा बना रहे हैं और वाटर बॉटल में तब तक भर लेती हूँ। चलो इसके बाद मुझे स्केचिंग करने का मन जेन्युइनली नहीं है, रीडिंग करने का थोड़ा सा है एंड एडिटिंग करने का ज़्यादा मन है, तो हम एडिटिंग करेंगे। ये हो गया, जब तक खाना आता तब तक मैं एफर्मेशंस लिखना चाहती हूँ। तो गाइज़ अभी मैंने खाना खा लिया एंड उसके बाद मेरा एडिटिंग करने का जो प्लान था वो नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे अब मन नहीं कर रहा। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, छत पे धूप सारी चली गई है और मैं आपको बादल दिखाती हूँ। ये देखो बादलों ने क्या शेप बनाई हुई है, एकदम यूनिक। तो इसीलिए मैं अपना बोरिया अब इस तरह लेकर छत पे आ चुकी हूँ। जब तक लाइक बारिश स्टार्ट होगी तो मैं नीचे चली जाऊँगी, तब तक मैं थोड़ा छत पे चिल करती हूँ। आई फील सो मच बेटर, मुझे नहीं पता कैसे, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जादू ही हो गया। मैं छत पर आई एंड ऐसे इतना ज़्यादा अच्छा मौसम है, ये बादल वगैरह, तो मैंने गाने सुन रही हूँ मैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ये देखो एंड अब बारिश भी स्टार्ट हो गई है तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा। वैसे ये तो गंदी चादर को तो रखी रखते पता, मुझे गंदी सी चादर कब तक बिछा के रखें। अगर तूने बनानी है तो पहले मेरे से पूछा करना, नीचे को साफ कपड़ा बिछाया करना, वाइट चादर बिछा रहे। मैं कर रही थी काफी देर से एडिटिंग एंड बारिश स्टार्ट हो चुकी है अब, और ये देखो। तो गाइज मैं एडिटिंग कर ही रही थी कि मेरी फ्रेंड की कॉल है, उसने अभी नई नई स्कूटी चलानी सीखी है, तो बोलती है आ बाहर तेरे को गेड़ा लगवाती हूँ। तो वो है वो पीछे और मुझे नहीं पता आज सीधा घर पहुंच चुकी है। श्वास तो देर में है, पक्का बैठ जाऊं, कंट्रोल रखना ठीक है। श्रीराम श्रीराम, बाबा जी आज बचा लेगा। हाय राम, बचा लेना आज, चल ना चल, क्यों डर रही है, छोड़ ना रेस, छोड़ चल चल। हाँ कुछ नहीं होता, ब्रेक पकड़ना आराम से एकदम, हाँ बस आराम से फ्लुएंटली, डरा मत करना लड़की इतना, आगे मैं चलाऊंगी तो सिखाऊंगी ठीक है। जिसने अकेले कभी खुद नहीं चले वो सिखाएगा। गाइस आज मेरे फुल मजे हो रहे हैं सुबह से। ये हमारी बारिश के बिहार तूफानों की तरह स्कूटी चलाते हुए। नेक्स्ट डे एंड मैं उतना जल्दी नहीं उठ पाई, बट अभी 8:30 हो रहे हैं तो मैं 8:30 पे उठ गई। एंड चलो आज की रूटीन लिखते हैं, मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं वापस सो जाऊं, क्योंकि मैं रात को भी थोड़ा लेट सोई थी, बट मुझे नहीं सोना चाहिए क्योंकि आई वांट ना गेट माय लाइफ टुगेदर राइट। तो गाइज मैंने ये सारा लिख दिया आज के लिए,
एंड इन सब चीज़ों के अलावा बाकी मैं अपना जो डाइट प्लान है वो भी फॉलो करूँगी विद मेडिसिंस, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली हेल्थ ठीक करनी है। और गाइस साथ साथ मैं ये एफर्मेशंस रीड करने लगी सुबह सुबह अच्छे से एकदम बिलीव के साथ पूरे। गाइस तो मैं जा रही हूँ नहीं करने, तो नहीं करके मिलती हूँ। गाइस तो मैंने खाने से पहले वाले सारे काम कर लिए, तो चलो उन सबको टिक कर देते। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। गाइस मेरी फेवरेट चीज बनी है खाने में, मेरी फेवरेट डिश दही तड़का, बहुत ज्यादा यम्मी होता है, मैं कभी आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। एंड ये मम्मा, हाय मम्मा बोलो। हाय क्यों बोलो, हाय बोलो, सारी चिंता है। गाइस ओ माय गॉड दही तड़का, मेरा वाला बाउल का है जो मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिया था। नहीं है मम्मा यहाँ पे, मेरा बाउल तो कहीं नहीं मिल रहा। गाइस गाइस फुलके को ऐसे छोटे छोटे तोड़ के फिर उसमें ये सारा दही तड़का हम डालेंगे, मतलब सारा नहीं जितना भी कर चुकी हूँ पीना, तो ऐसे डालते रहेंगे इट्स लाइक कड़ी। ये देखो गाइस, यार ये देखो दही तड़का डाला हुआ, वीडियो में डाल दूंगी मैं आपको। तो अब मैं इसको ऐसे मोली मोली करूंगी, मोल मोली करेगी फिर खाऊंगी मैं। गाइस अब मैं इसको हाथ से मोली मोली करूंगी, मोली मोली करना मतलब मड़ोड़ना ऐसे हाथ से, और फिर खा जाऊंगी। और ये कोई ऐसा मतलब कॉमन डिश नहीं होती है, बाकी मतलब कोई नहीं बनाता, हमारे पुंछ में भी और कोई नहीं बनाता, ये हमारे घर की स्पेशल डिश है, हमारी फैमिली की, हमने खुद इन्वेंट की है और हम खाते हैं और ये बहुत यम्मी होती है। तो यस आप भी ट्राई करना, आपको रेसिपी बताऊंगी, ठीक है। गाइज मैंने एडिटिंग की ब्रेकफास्ट के बाद एंड थंबनेल भी एडिट करके आज मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया, बट मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं फील हो रही। मैंने बाजार जाना था एंड काफ़ी कुछ करना, तो इसलिए पेट भी दर्द हो रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अभी, शायद मैं सो जाऊँ, बट इट्स ओके, मतलब जितना कर सकती हूँ मैं उतना तो कर रही हूँ, है ना। बाजार जाने की तो मेरे को बिल्कुल जाननी है एंड अभी मुझे बहुत थकान हो रही है, तो मैं सोने लगी। तो गाइज मैं आपको कुछ देर बाद मिलती हूँ, कुछ घंटे बाद, मतलब जब भी मैं सो के जागी, एक घंटे बाद या डेढ़ घंटे बाद। गाइज तो मैं जाग गई थी शाम को, फिर अभी मैंने डिनर किया थोड़ा सा एंड अब मैं वापस सो रही हूँ, रात के 11 बज गए। तो अब मैं आपको डे 3 पे मिलती हूँ, देखते हैं कि कल का दिन कैसा रहता है। तो यस कल मिलती हूँ सुबह। गुड मॉर्निंग गाइज, तो अभी सुबह हो चुकी है एंड मैं जाग चुकी हूँ, एंड मेरे को बिल्कुल जागने का मन नहीं था और सोने का मन था, बट ऑब्वियसली जाग गई मैं। तो अभी चलो इन सीढ़ियों को चढ़ते हैं और छत पे चलते हैं, बहुत डर लगता है मुझे इनसे। चमू देखो कैसे देख रहा है कि अकेले अकेले दीदी छत पे चली गई, मुझे नहीं लेकर गई। अभी मैं छत पे बैठूंगी जमीन पे ऐसे, एंड रसलीन ने कुछ चीजें करने को बोला था वो करूंगी, उसने बोला था कि बिल्कुल शांति में बैठना और फिर ऐसे रिलैक्स करना और फिर चीजें याद करना जिनके लिए तू ग्रेटफुल है। तो चलो ये चीज करती हूँ। गाइज मैं छत से जब से आई हूँ, मैं तब से बेड पे पड़ी हुई हूँ, मेरे को बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो बीमारी में नहीं करता ना उठने का मन। बट फिर मुझे भी रियलाइज हुआ कि मैं जो अपने दिन का स्ट्रक्चर बना रही थी कि नहाना पाठ करना ये वो रीडिंग एंड ऑल, वो ख़राब हो रहा है, तो मुझे ऑब्वियसली ये नहीं करना चाहिए, मैं सेम मिस्टेक वापस से कर रही हूँ, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीज़ स्टार्ट करना तो आसान होता है बट कंटिन्यू करना मुश्किल होता है, तो इसलिए मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए। तो हाँ मैं नहा कराती हूँ। गाइज मैं आ गई हूँ नहाकर एंड अब मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, जैसे मुझे कल अभी पहले बहुत ज्यादा लेजी फील हो रहा था, अभी उतना लेजी नहीं फील हो रहा। गाइज तो मैंने कर लिया पार्ट एंड अब धूप भी आ चुकी है एंड अब मैं खाना खाने लगी। चलो मैं बीमार हूँ ना, मेरा पेट भी खराब है, इसलिए मैं खा रही हूँ खिचड़ी। दिस इज माई खाना, खिचड़ी एंड रायता। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं तैयार हुई हूँ, तो मैंने कल जैसा बाजार जाना था ना, स्किन केयर वगैरह लेना था मैंने, क्योंकि मैं स्किन केयर वापस स्टार्ट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी बाजार जा रही हूँ। आज मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, आज मैं बेटर हूँ कल से। एंड दिस इज माय आउटफिट, मैं ट्राउजर पहन के जा रही हूँ बाजार। ट्राउजर ऊपर ये टॉप, नीचे चप्पल या फिर शूज पहनूं, बाजार पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। दिस इज हाउ आई लुक। गाइज मामा बोल रहे हैं क्या पहन के जा रही है, ये ट्राउजर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं जीन्स पहनने लगी अपनी। कर लिया मैंने चेंज,
यस रुक जाओ आपका आउटफिट दिखाती हूँ पूरा। गाइस तो मैंने अभी क्या किया, मैं रसलीन के साथ कॉल पे थी, मैंने बोला हाँ कहाँ है, बोलती घर पे हूँ, मैंने बोला मैं भी घर पे हूँ ये वो, तो आगे फिर कुछ पूछ रही थी तो मैं सीधे इसके घर पहुँच गई और फिर मैंने इसको तब जवाब दिया उस चीज़ का, तो ऐसे हैरान होगी कि भाई तू कैसे आ गई भाई, प्रोसेस है ये क्या नहीं क्या गलत इतना इस लड़की को दिमाग नहीं, अगर मैं पूछ रही हूँ कि तू कहाँ पे है तो इसका मतलब मैं आ रही हूँ ऑब्वियसली, मेरे चलने की भी आवाज़ आती पर नहीं, तूने बोला मैं छत पे चल रही हूँ यार, मुझे क्या पता चलेगा ब्रो। कितनी स्मार्ट, मैं सरप्राइज दे देती हूँ यूं ही चलते फिरते। लेकिन दो बार मैंने कराई तो दोनों बार तो ऐसे ही आई ब्रो, दोनों बार ऐसे ही आई। गाइस यार मतलब इसको सरप्राइज देना इतना आसान है ना, ये थोड़ी है बेवकूफ, तो इसको सरप्राइज देना बहुत आसान है। तूने बोला मैं छत पे चल रही हूँ यार, तूने बोला तो ऑब्वियसली बोलूंगी ना, मैं तो झूठी बोलूंगी ना, क्योंकि मजा आता है ना रिएक्शन लेने में, वो ब्रो ये ऐसे कर दिया आगे से, ब्रो तू नहीं, ब्रो तू नहीं, ब्रो तू नहीं, तू नहीं ब्रो, आगे से ऐसा करती है Don't ask me how I did it, I just did it, it was hard. Guys, तो मैं अपनी दोस्त के घर आके खुद ही रुआफ़ा बना रही हूँ, चल रुआफ़ा दे, oh, sorry. खुद निकालो, खुद पियो, मेरे को पे पड़ा रुआफ़ा फ्रिज में। तो गाइज ऐसे करते होते हैं, दोस्त के घर आओ और बस फिर मस्त मजे करो, बनाओ कुछ भी, खाओ पियो, ऐश करो। ये निकल क्यों नहीं रहा? ओए लड़की तेरा रूह अफ़ज़ा जम गया। क्यों क्यों मतलब क्यों क्यों जमाते हो रूह अफ़ज़ा, बाहर रखा करो, ठंडा रूह अफ़ज़ा पिएगी। हैं ठंडा रूह अफ़ज़ा पिएगी तो गर्म रूह अफ़ज़ा पियूं, दे उबाल के दे चल बना के। तूने बोला खुद ऐसे ब्रो फ्रिज के अंदर क्यों रख दिया रूह अफ़ज़ा, फ्रिज में ही रखते हैं। गाइज देखो प्रियंका स्ट्रगल चल रहा है गाइज, गाइस देखो क्या अमीरों वाले ग्लास है रसू के घर। सॉरी सॉरी मुझे स्टाइल थोड़ा कम मारना चाहिए, काम खराब कर देती हूँ भाई, मुझे क्या पता है इतने प्रेशर से आएगा जग में से। गाइज मेरी दोस्त बीमार है इसलिए देखो इसकी सेवा करने के लिए मैं इसके घर पे आ गई। गाइज ये देखो यार क्या बात है यार, आजकल के बच्चे कितने टैलेंटेड हो रहे हैं यार, ये कप टूट गया था यहाँ से, इसकी डंडी टूट गई थी तो इसने मोल्डेड क्ले से यहाँ पे फ्लावर बना दी और ये कितना सही लग रहा है, क्या बात है यार, मानना पड़ेगा सिमरन को, मारना पड़ेगा। गाइज अभी आई मीन दैट पार्ट ऑफ लाइफ, जब मैं दिल्ली जाती हूँ तो मैं रोती हूँ कि मुझे पूंछ जाना है, और जब मैं पूंछ आती हूँ तो मैं रोती हूँ कि मेरे को दिल्ली जाना है। अभी मैं रसू को रोके बोलती कि रसू मेरे को दिल्ली जाना है, तो रसू बोलती है क्या बात है बहन, जब तू दिल्ली जाती है तब तू रोती है कि पूंछ जाना, मतलब कॉल करके मैं रोके इसको बोलती हूँ ना कि रसू मैंने पूंछ जाना है। और मैं गॉड मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, रसू इधर आना, इधर 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 देख मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, ज़्यादा प्यारी मैं लग रही हूँ, मना भी नहीं कर सकती दोस्त जो है। तेनू देख के ता लगदा तू हूरा वांगू तुरदी दस की चौनी है जान सुखानी है तू जद वाल सुखानी है। गाइस तो रसलीन और मैं तैयार होके जा रहे हैं, बस हेयरिंग योर हेयर्स आर हेयरिंग रसू, तो हम दोनों जा रहे हैं बाजार एंड इसको अपनी इसकी मामा का बर्थडे है, इसने गिफ्ट लेना है उनके लिए, मैंने स्किन केयर लेना है एंड उसके बाद शायद से मैं घर से स्कूटी लूंगी एंड हम गेड़ा लगाने जाएंगे। क्रेजी हो जाएगा यार, मैं अकेले कभी स्कूटी लेकर वैसे घर से गई नहीं हूँ, बट लाइक अब मैं काफ़ी ज़्यादा सीख चुकी हूँ, बहुत देर से चला रही हूँ तो अब लाइक मुझे लेकर निकलनी चाहिए अकेले घर से। गाइस तो वहाँ पे रोज लगा हुआ है किसी के घर का, तो छुपके से तोड़ लेते हैं, ये मेरी वीडियो ना, चल चल भाग भाग। तो वसु का दिया वरवस, इसको होश नहीं कि इसके फोन में व्लॉग बन रहा है। गाइस ओ डोंट मैरी मी प्लीज। गाइस ये देखो मैंने क्या किया, मुझे लिफाफा उठाया नहीं चाह था, मैंने इसके साथ लगा दिया। गाइस तो बाहर भयंकर बारिश स्टार्ट हो गई है, मैं अभी पहुंच गई घर, ये देखो मेरे कपड़ों में बारिश गिर गई, और ये शर्ट मैंने अभी ली, अभी हम गए थे ना एक शॉप पे तो वहाँ पे मुझे ये शर्ट पसंद आ गई तो मैंने ले ली, काफ़ी बड़े साइज़ के पर मैं टक करके पहन रही हूँ तो यस। एंड मैं आपको अपना स्किन केयर भी दिखाती हूँ, ये देखो गाइस मैंने ये सब ली है, देखते हैं आप यूज़ करके, मैंने इनमें से कोई चीज़ पहले यूज़ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये कैसी होगी,
तो हमें कुछ सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, बस रैंडमली मैंने पिक कर लिया जो मुझे थोड़ा सा मतलब ठीक लगा। गाइज अभी एक मिनट पहले स्काई इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, पूरा पिंक पिंक हुआ था, पर सनसेट लाइक हो गया टोटली एंड पूरा स्काई वापस ऐसा हो गया। गाइस मुझे मधुमक्खियों से बहुत ज्यादा डर लगता है, और वहां पे कोई ऐसा 10-20 के हिसाब में थी, मेरे सिर के ऊपर मंडरा रही थी। मैंने कैसे फेस वॉश किया ना, मेरे को पता है। गाइज ओल्ड प्रारिश इज बैक। गाइज अभी शाम होने वाली है एंड मैंने अभी तक कुछ खास किया नहीं है, मतलब मैं सो गई थी। एंड अभी मैं थोड़ी देर में जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के साथ कहीं स्कूटी पे गेड़ा लगाने। तो चलो, अगर आपको गेड़ा नहीं पता क्या होता है, गेड़ा मतलब राइड, स्कूटी राइड या फिर कोई भी बाइक राइड या फिर कोई भी राइड, मतलब ऐसी मतलब रैंडमली ऐसे निकल जाना, उसको बोलते हैं गेड़ा लगाना। तो गेड़ी लगाना बोलते, वैसे मैं गेड़ा लगाना बोलती हूँ। तो हाँ, तो मैं उसके लिए रेडी होती हूँ। कल जो मैंने नई शर्ट ली थी ना, मैं वही पहनूंगी। तो चलो लेट्स गेट रेडी। हम आए थे पुल के आगे, काफी आगे गेड़ा लगाने, और यहाँ पे सीर हो गया, हमारा पेट्रोल खत्म हो गया। गाइस ओ माय गॉड, अब कुछ आइडिया नहीं हमको कि हम क्या करेंगे। हम सोच रहे हैं कि किस तरह पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए, थोड़ी आगे है, या फिर कोई मिल जाए रास्ते में जो हमको पेट्रोल दे दे बॉटल में। तो हम ऐसे चल रहे ये ऐसे बेचारी चला रही है और मैं इसके साथ साथ चल रही हूँ। गाइस ये देखिए, स्कूटी होते हुए हमको चल के जाना पड़ रहा है। और देखो हम आए कितनी सुंदर जगह पे, मतलब पूंछ का ये नॉर्मल ही है, पुल के थोड़ी आगे आया तो इतनी सुंदर जगह आ गई ये देखो। बट हाँ, ये पेट्रोल का सिस्टम हो गया। गाइस तो मैं पहुंच गई घर। एक्चुअली मेरे को मेरे दो पुराने दोस्त मिल गए, वो बाइक पे आ रहे थे, तो फिर उन्होंने हेल्प कर दी। वैसे पाँव मार के स्कूटी चलाते ना, हम ऐसे घसीट घसीट के जा रहे थे पेट्रोल पंप तक, 2 किलोमीटर दूर था, पर उन्होंने फिर हेल्प कर दी और फिर हम मतलब पहुंच गए घर। पेट्रोल डलवा लिया, फिर उसके बाद में चला के रही। और पता है मैं स्कूटी पूरी सीख गई हूँ, मतलब पहले मेरे को नहीं आती, मुझे डर लगता था, पर अब लाइक मैं कम्प्लीटली सीख गई। मैं ऐसी ऐसी गलियों से स्कूटी निकाली है आज की मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा। तो यस आई एम हैप्पी। डिड आई जस्ट सेड दैट आई एम हैप्पी? यस आई डिड। पकड़ के ऐसे बनाना ठीक है कि हम दोनों आए, और ये भी दिखाना व्यू ऐसे, मेरे को भी दिखाना ठीक है, ऐसे भी दिखाना, हर तरीके से ठीक है। क्या कर रही है तू, बैठ जाना। तेरे आंसर पेट ठीक हो गया सही है, होता है, सब पता होता है।